अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैकर्स। हैकर्स का जब भी हम लोग लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है और वो ये है कि वो है चोरी। हालांकि ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होता है, और अगर हम उसे बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो किसी को नुकसान पहुंचाना ही होता है। इसी तरह हैकर्स भी क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छे या बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हैकर्स होते क्या हैं? हैकर्स जो हैं बेसिकली वो कोई भी पर्सन होगा जो कि कंप्यूटर को विदाउट परमिशन, किसी जिस यूज़र का है उसकी परमिशन के बगैर जो है उस पर एक्सेस लेगा, और ये एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगी, हैकिंग हो जाएगी। और हैकिंग क्या होगी, हमारे पास साइबर क्राइम होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैकर्स के। हैकर्स क्या होते हैं कि वो हम उन्हें कहते हैं कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट का मतलब है उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, हर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या को उनका काम क्या होता है कि वो विदाउट परमिशन किसी भी दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करेंगे, और जब वो एक्सेस करेंगे तो वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट किसी की इंफॉर्मेशन हो सकती है वो ले सकते हैं, या किसी इंफॉर्मेशन में एडिटिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं जो क्या करेंगे, अनऑथराइज एक्सेस कर लेंगे किसी दूसरे कंप्यूटर पे, ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन को वो स्टील कर सकें, उसको चेंज कर सकें। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कि वो उनका काम ये होता है कि वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि वो जो है कुछ अमाउंट वगैरह जो है वो ले सकें। फिर क्या है कि उनके पास, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि कंप्यूटर के वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, इन डेप्थ नॉलेज होता है किस चीज़ का, नेटवर्क की प्रोग्रामिंग का। क्यों इन डेप्थ नॉलेज का मतलब ये है कि वो बहुत डिटेल में प्रोग्रामिंग करना जानते हैं। तो जब उनको डिटेल में प्रोग्रामिंग आती है तो वो क्या कर सकते हैं, खुद से कुछ नए प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, और वो इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करके क्या करेंगे, दूसरों की इंफॉर्मेशन दूसरों के सिस्टम तक एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारे काम क्या है, साइबर क्राइम में आते हैं हमारे पास। यानी कि वो मलेशियस सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाना और दूसरों के लिए क्या करना, या नेटवर्क्स पे क्या करना, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल, एक इसकी बहुत ही बेसिक एग्जांपल है वो ये है कि जो हैकर डेवलपर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं बेसिकली, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं, जैसे एक उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ था डिक्शनरी के, डिक्शनरी वाला। अब ये डिक्शनरी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता था, ये लोड कर दिया जाता था जिसमें सारे डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं। इस सॉफ्टवेयर ने क्या करना है, वन बाय वन जितने भी वर्ड्स हैं वो गेस करता था पासवर्ड, यानी किसी के सिस्टम में क्या पासवर्ड होगा तो उस डिक्शनरी में वो गेसिंग होते थे। तो इस तरह वो क्या कर सकते थे, वो गेस करके पासवर्ड्स लगा के एक्सेस हासिल करते थे। और ये मेथड जो था ज़्यादातर वहाँ वैलिड होता है जहाँ पे जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो ऐसे सिंपल पासवर्ड जो कि डिक्शनरी में ऑलरेडी, यानी कि गेस वर्ड्स की डिक्शनरी है ना, तो वो उसमें मौजूद होते हैं, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो एक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने पासवर्ड्स हैं उसमें आपने न्यूमेरिक अल्फाबेट ये इन सारे की स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबको यूज़ करके अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड क्या है, वीक है या सिंपल है, तो वो ईजिली उस डिक्शनरी में अवेलेबल हो सकता है और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है क्रैकर्स है। हैकर भी इंफॉर्मेशन को जो क्या है, अनऑथराइज परमिशन के थ्रू वो काम करता है। क्रैकर्स भी ऐसे ही करते हैं कि वो क्या करते हैं, परमिशन के बगैर किसी भी दूसरे कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज जो इनमें और हैकर्स में डिफरेंट है वो ये है कि दे डू नॉट हैव अ कंप्यूटर स्किल, उनके पास कोई अपनी स्किल नहीं होती। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो है वो हैकिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैकर्स ने टूल्स बनाए हुए हैं ना,
वो उनकी अपनी स्किल्स तो नहीं है क्रैकर्स की, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उस टूल को इस्तेमाल करेंगे, हैकिंग टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह वो क्या कर सकते हैं, जब वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं तो वो सीरियस डैमेज तक जा सकती है बात, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उसमें, आपकी वही जैसे मनी स्टील करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड या आपके अकाउंट नंबर, आपके फेसबुक अकाउंट तक एक्सेस, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये है कि अब उनका तरीका क्या है कि वो क्या करते हैं, वो लोग अपने एक वेब पेजेस बना लेते हैं, वेब सर्वर पे अटैक करेंगे ना, जब तो वेब सर्वर पे वो अटैक करेंगे तो उनके जो अपने क्रिएटेड होम पेजेस हैं वो क्या होते हैं, वो उस जगह पे उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये उनका तरीका है क्रैकर्स का कि वो किस तरीके से एक्सेस करते हैं। ये वाली चीज़ भी साइबर क्राइम में, हैकिंग या क्रैकिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो नेगेटिव वे में यूज़ हो रही है तो वो हमारे पास साइबर क्राइम में आ सकती है, क्राइम में चली जाती है वो बात। तो इसकी एग्जांपल ये है कि एक हैकिंग टूल है की लॉगर, तो क्रैकर क्या करते हैं, उस की लॉगर को इंस्टॉल कर देते हैं इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंप्यूटर पे जहाँ तक उनको एक्सेस करनी है। फिर वो की लॉगर क्या करेगा, वो हर एक जो लेटर हम कीबोर्ड पे अपने टाइप करेंगे वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा। तो इस रिकॉर्डिंग के दौरान वो क्या कर सकता है, वो हमारे पासवर्ड तक एक्सेस कर लेगा। तो जब पासवर्ड तक एक्सेस हो जाएगी तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट है या अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो उनकी डिटेल्स तक चला जाएगा। तो डिटेल में जाने का मतलब यही है कि आपकी जो प्राइवेसी थी वो क्या होगी, वो प्राइवेसी नहीं रही, वो उस बंदे तक आ गई, तो वो आपकी उस चीज को चेंज कर सकता है आपके बिहाफ पे, आपको पता भी नहीं होगा और वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा होगा। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो क्रैकर होता है वो क्या कर रहा होता है, उसने तो की लॉगर इंस्टॉल कर दिया, तो जो की लॉगर है वो एक एक जो वर्ड है उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो भी डिटेल होगी जो भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी उसको वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो इजीली वो आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसको हैक कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि हैकर और क्रैकर उनमें मेन डिफरेंस क्या है, तो उनके अंदर मेन डिफरेंस एक तो स्किल का आया था, अभी हमने देखा कि एक तो ये है कि स्किल का डिफरेंस है कि जो क्रैकर्स हैं उनका उनके पास प्रोफेशनली स्किल नहीं होती, जो हैकर्स हैं उनके पास प्रोफेशनली स्किल होती है क्योंकि वो टूल्स को क्रिएट करते हैं, और जो क्रैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उन उन टूल्स को यूज़ करते हैं, उनके पास वो नॉलेज होती है उन टूल को यूज़ करने की। इसी तरह जैसे कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे, की लॉगर, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, और ये जो क्रैकर्स हैं वो क्या करेंगे, उसी की लॉगर को किसी भी जगह पे इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग, जैसे हमने बात की थी, अच्छे और बुरे, तो जो हैकर्स होते हैं, लाजमी नहीं है कि सारे हैकर्स जो हैं वो बुरे ही काम कर रहे होते हैं, तो जो हैकर्स हैं वो अपनी स्किल्स को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उस वो जो सही तरीका है उनका, बेसिकली वो क्या होता है, वो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपने मुल्क की सिक्योरिटी हो सकती है, अपने इदारे की सिक्योरिटी हो सकती है, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ क्रैकर में आ सकती है। तो मेन डिफरेंस हैकर और क्रैकर में इस्तेमाल का है। तो क्रैकर्स क्या होते हैं, वो पर्सनल गेन के लिए होते हैं या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हैकर्स में एथिकल हैकिंग भी आजकल आ रही है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हैकर्स या जो क्रैकर्स हैं हमारे पास, उन 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 दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। स्किल्स का डिफरेंस है इसमें, यूजेज का डिफरेंस है इसमें, और उन्होंने तरीका बता दिया कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।